फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है आप लोगों की लाइफ में, बट उस दिन आप लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि कैसा रहेगा दिन, और इसके अलावा रैगिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में चलती रहती है। आज मैं चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में गया था एक मीडिया रिपोर्ट कवर करने, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुई हमारी, और उस इंट्रैक्शन का एक पार्ट आप लोग देखिए। बाद कैंपस में आकर के कैसा लग रहा है? गर्मी, रैगिंग करनी है बस फर्स्ट ईयर वालों की। इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो अपने जूनियर्स की रैगिंग लेंगे, और यही क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बार आ चुका है। तो इस वीडियो के बाद, इस कवरेज के बाद, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से रिलेटेड बातचीत की जाए, आपके साथ रूबरू हुआ जाए इस मुद्दे पर, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी जाएं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम चंदेल, और ग्रो विद शुभम चंदेल यूट्यूब चैनल पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। कॉलेज रिलेटेड और भी गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की बात कर लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे रैगिंग की इस वीडियो क्लिप के बारे में। आप दो तरीके से फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ज्वाइन करते हो, या तो आपका पहला होगा ओरिएंटेशन, और दूसरा होगा आपके फर्स्ट डे ऑफ क्लास, यानी कि जब आप क्लास में जाओगे, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए भाई कुछ नहीं है, आप लोगों के सीनियर पोलाइट होते हैं और आप लोगों की हेल्प भी करेंगे सीनियर्स, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, इसके कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं, स्टूडेंट इलेक्शन, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ्रेंडली माहौल यहाँ पर मिल जाता है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस वीडियो क्लिप की रैगिंग की, तो भाई अगर आप लोगों के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है रैगिंग का, कोई स्टूडेंट आप लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, नो डाउट हम आपस में मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, बट अगर कोई सीनियर आप लोगों के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है या रैगिंग देने की कोशिश करता है, तो आप लोगों के कॉलेज में एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर होता है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, उसमें भी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर होगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। नेशनल लेवल पर भी कमेटीज़ बनी होती हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर कॉलेज में कमेटीज़ बनी होती हैं, एंटी रैगिंग कमेटीज़, जिन कमेटीज़ को आप रिपोर्ट कर सकते हो विद प्रूफ। आप लोग कोई प्रूफ रख लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, वैसे होगा नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ही जाएगा, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट अब रैगिंग वगैरह नहीं करता। हाँ, वो चाहे मजाक में ही कह रहे थे, बट स्टूडेंट्स रैगिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो भाई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आप लोगों को अकेले नहीं बैठे रहना है, चुपचाप मौन होकर के नहीं बैठना है, आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, कॉलेज घूमना है, कॉलेज घूम सकते हो, और नए फ्रेंड्स से बातचीत करनी है, बिकॉज ये डे है जिस दिन आप लोगों के नए फ्रेंड्स बनेंगे, और आप लोग जिन स्टूडेंट्स के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ अगले 2.5-3 से 4 साल जो है वो बिताने वाले हो। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आप लोगों ने जाना है, कॉलेज में जा करके आप लोगों ने नए स्टूडेंट से इंट्रैक्शन करनी है। कोई सीनियर मिसबिहेव करता है, वैसे करते नहीं, बट अगर रेयरली किसी के साथ इंसिडेंट होता है, तो कॉलेज की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सर्च कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, आप एक कॉल घुमाओगे, बिकॉज रैगिंग को सीरियसली लिया जाता है इंडिया के हर एक कॉलेज में। तो आप लोग इस तरीके से अपने आप को इससे बाहर कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने जाना है कॉलेज, एक्सप्लोर करना है, नए लोगों से बात करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीनियर्स से बात करनी है, वो सीनियर्स आप लोगों को बताएंगे कि कॉलेज कैसा है। बाकी स्टूडेंट्स फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।